आपको मुसलमानों का डर दिखाएंगे, आपके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, एजेंडा सेट करेंगे, आपके दिमाग में इस तरह का जहर डालेंगे। भारत के टीवी चैनलों को, न्यूज चैनलों को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां कोई आपका आदमी नहीं है। मेहनत करने वाले लोग हैं, मांग कर खाने की परंपरा हमारी नहीं है। जो बाबा आता है ना, वो चुड़िया बजा के बोलेगा भिक्षाम देही, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। मेहनत करने वाले लोग हैं, ये नहीं बोलते कि मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से जलना भुनना, हमें इसकी मनाही करनी चाहिए। और मैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आप सबके साथ मना रहा हूँ। ये मुझे प्रेरित करेगा, हिम्मत देगा कि ये तमाम लोग जो मेरे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, ये असली वारिस है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के। ये अपना काम करके, काम धंधा छोड़ के, दिहाड़ी मजदूरी करके बैठे हुए हैं, तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। आप अगर अभी सो रहे हैं तो आंखें खुल जाएंगी, ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। चार दोस्त होते हैं, चारों की जाति अलग अलग होती है। एक ब्राह्मण दोस्त होता है, एक बनिया दोस्त होता है, एक ठाकुर दोस्त होता है, और एक हमारा दलित बहुजन दोस्त होता है। चारों के चारों हॉस्टल में रहते हैं, और सभी लोग रात में ऐसे ही बातें करते करते देर रात तक जाग गए, और सबको भूख लगी, तो तय हुआ कि कुछ खाने के लिए बना लिया जाए, कोई पकवान पका लिया जाए, जिससे ये भूख जो है वो खत्म हो जाए। तो सब लोगों ने तय किया कि चलिए मिलके आधी रात में खीर बनाते हैं, और खीर बनाने के लिए कोई अपने रूम से चावल ले आएगा, कोई चीनी ले आएगा, कोई दूध ले आएगा, और कोई लकड़ी जला देगा। चारों ने मिलके जो है रात में मेहनत की, खीर बनाई, और जब खीर पककर तैयार हो गई, स्वादिष्ट खीर की सुगंध जब फैलने लगी, खीर एकदम तैयार थी कि उसको खाया जाए, तो चालाकी देखिए कि कैसे उनके हिस्से की खीर को कोई और खाने की कोशिश करता है। हमारे ब्राह्मण साथी कहते हैं कि देखिए भाई, खीर तो बन के तैयार हो गई है, लेकिन अभी खाना नहीं है। खाएंगे तब जब रात में आप सो जाओगे, और अपना सपना सुबह उठकर बताओगे, और जिसको सबसे अच्छा सपना आया होगा उसको खीर खाने को मिलेगी। सब लोगों ने मेहनत करी खीर बनाने में, सब लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया। खीर बन गई थी तो सबको बराबरी से मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे ब्राह्मण साथी कहते हैं जिसका सपना अच्छा होगा सुबह उसी को खीर खिलाएंगे। आप जल्दी जल्दी जाओ, सो जाओ, और अपना सपना सुबह उठकर सुनाना। तो सभी लोग सो गए जल्दी में। अब ब्राह्मण साथी उठ गए सुबह, सब लोग उठे, तो पूछा गया कि बताइए आपको क्या सपना आया रात में, अगर आपका सपना अच्छा होगा तो आपको खीर खाने को मिलेगी। तो हमारे ब्राह्मण साथी कहते हैं, मेरे सपने में रात में प्रभु राम और माता सीता आई थी, उन्होंने कहा कि बच्चा खीर तो तुमको खानी चाहिए, तुम इस खीर के हकदार हो, इसलिए सारी खीर मैं खाऊंगा, किसी और को खीर नहीं मिलेगी। अब हमारे ठाकुर साथी से पूछा गया कि आप भी बता दीजिए आपको क्या सपना दिखा। वह कहते हैं कि देखिए, मेरे सपने में प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों आ गए थे, और उन्होंने कहा कि खीर आपको खानी चाहिए, इसलिए सारी खीर मेरी है, मैं इस खीर का हकदार हूँ। अब हमारे बनिया साथी भी थोड़ा सीख गए उनके साथ रह के, पूछा कि बताइए क्या सपना दिखाई दिया, फिर हम आपको खीर खिलाएंगे। देखिए, मेरे सपने में प्रभु राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी चारों लोग आ गए, और उन्होंने कहा कि खीर तो बच्चा तुमको खानी है, तुम ही इस खीर के वारिस हो, इसलिए सारी खीर मेरी है, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अब हमारे दलित बहुजन भाई से पूछा गया कि भैया आप भी बता दो आपको सपने में क्या दिखाई दिया, आपका सपना कैसा था। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे दलित बहुजन साथी कहते हैं, रात में मेरे सपने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए थे, उन्होंने कहा कि हे मोर, सदियों से सो रहा है, उठ जा, जाकर अपने हिस्से की खीर खा ले, कब तक सोता रहेगा, इसलिए मैं रात में उठा और अपने हिस्से की खीर खा गया। तो हमें नींद से जागना है, अपने हिस्से की खीर खानी है, कोई षड्यंत्र करके हमारी मेहनत की कमाई को खा जाएगा, हमारा योगदान होगा, खीर हमारी कोई और खाएगा, ये चलेगा नहीं। इसलिए नींद छोड़ना जरूरी है, और हमें अपनी खीर को अपने हिस्से में लेके आना है।
आप लोगों के इतने खूबसूरत चेहरे हैं, इतनी शानदार एनर्जी आपके लोगों की है, और सबसे खूबसूरत इस पंडाल की जो तस्वीर है, इस साथ में महिलाएं बराबरी की संख्या में बैठी हैं, जो यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने आई हैं। इसलिए महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि तमाम घर का काम करते हुए, आपके बच्चों को, आपके परिवार को पालते हुए, काम करते हुए, और क्योंकि ये वर्किंग क्लास एरिया है तो ज्यादातर महिलाएं काम भी कर रही होंगी, मजदूरी नौकरी पेशा भी करती होंगी, उसके बावजूद यहाँ पर आई है। ये हमारे आंदोलन की जीत है कि जब भी हम किसी कार्यक्रम में जाएं, जब भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाएं या ऐसे सामाजिक कार्यक्रम मनाएं, तो हम अपने घर की महिलाओं को भी साथ लेके जाएं, उनको भी लेके जाएं, क्योंकि आप नहीं लेके जाओगे तो इनको कौन लेके जाएगा? कोई कथा वाला ले जाएगा, कोई कलश यात्रा वाला ले जाएगा, कोई व्रत वाला ले जाएगा, कोई फूंक मार के कुछ चमत्कार करने वाला ले जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इन पाखंड से अगर बचना है तो अपने घर की महिलाओं को, आधी आबादी को बराबरी का हक देना होगा। वो आएंगे, सीखेंगे, उनके जहन पर कुछ असर होगा, इसलिए हमेशा उनको अपने साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मैं किसी समाज की तरक्की को इस बात से आता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, इसलिए हमें उनसे सीखना चाहिए और महिलाओं को बराबरी का मौका देना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने साथ लाइए ताकि किसी पाखंड में वो ना फंसे और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में बराबरी से हिस्सा लें और अपने लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई में वो शरीक हो सके। मैं एक पेशेवर जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो है मीडिया को पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि मीडिया का कैमरा, मीडिया का माइक कभी आपके यहाँ पे आके नहीं दिखाता होगा कि देखिए आनंद पर्वत की जो ये गलियां हैं, ये गली की हालत कैसी है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है। इतनी खराब सड़क है कि जब हम आ रहे थे तो हमें लगा ये कौन से इलाके में आ गए, ये कैसी राजधानी है कि हमारे लोगों के एरिया में इस तरह से, जहाँ हमारे लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं है, मीडिया के लोग आपको नहीं दिखाते होंगे आके, तो मीडिया को आप लोग पसंद नहीं करते होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि वो आपके मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, आपको वो खराब चीजें दिखाते हैं। टीवी पर सुबह सुबह तारे सितारे दिखाते हैं, कुंडली वाला काम दिखाते हैं, बाबाओं को बिठा देते हैं और सुबह सुबह हमारे लोगों के जहन में डाल दिया जाता है कि फलाने बाबा पे तेल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उस वाले बाबा की कथा नहीं कराओगे तो कोई नुकसान हो जाओगे, आप घर से निकलोगे कोई दुर्घटना हो जाएगी, फेल हो जाओगे, इंटरव्यू में पास नहीं होगे, नौकरी नहीं मिलेगी। सुबह सुबह हमारे लोगों के जहन में डालने का काम मीडिया करता है अपने टीवी चैनलों पे, जिसकी जिम्मेदारी थी इस देश को बेहतर बनाने का काम करना। मीडिया में सबसे जरूरी जो जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है उसमें सिखाया जाता है, मीडिया का काम है इस देश को बेहतर बनाना, इस देश को रहने लायक बनाना, कि जिन लोगों के साथ अन्याय होता है, जिन लोगों का हक मारा जाता है, उनके पक्ष में खड़े हो जाना, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे सवाल पूछना कि जो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जिस कुर्सी पर तुम जिम्मेदारी के साथ बैठे थे, वो काम तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन आज का मीडिया आपको क्या बताता है कि हिंदू मुस्लिम जो है उसी दंगों में बढ़े रही है, आपको मुसलमानों का डर दिखाएंगे, आपके लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, एजेंडा सेट करेंगे, आपके दिमाग में इस तरह का जहर डालेंगे और लोगों का ध्यान भटकाएंगे और कहेंगे कि यही जो है आपके लिए जरूरी काम है, हमारे लोगों के कहें कि उनका समय खराब करने का, उनको बेवकूफ बनाने का काम मीडिया करता है। इसलिए इस मंच से हम उस अंबेडकरवादी पत्रकारिता को भी सलाम करते हैं, जो मेरे साथी यूट्यूबर खड़े हैं यहाँ पर, छोटे छोटे जर्नलिस्ट खड़े हैं, जो इस देश की असली मीडिया है, इस देश का लोकतंत्र का चौथा खंभा हमारे लोग है, जो हमारे लोगों की समस्याएं उठा रहे हैं। वो सुधीर चौधरी की तरह 2000 के नोट में चिपनी ढूंढ रहे, इसको जमीन के नीचे दबा दोगे फिर भी वो नोट पकड़ा जाएगा, ये काम हमारे लोग नहीं कर रहे। अंजना और मोदी जैसे लोगों से प्रेरित होने की जरूरत नहीं है, रूबिका लियाकत से हिंदू धर्म के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, अमन चोपड़ा जैसे नफरती आदमी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आप अपने लोगों से सीखिए। इसलिए अपने बहुजन मीडिया पर यकीन रखिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए, भारत के टीवी चैनलों को, न्यूज चैनलों को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां कोई आपका आदमी नहीं है। मैं चार चार जगह काम करके आया बड़े चैनलों में, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, चार जगह का
कभी मुझे कोई अपने समाज का आदमी नहीं मिला, कभी कोई वहां पर आपकी खबर दिखाने वाला नहीं मिलता, कभी आपके मसलों पर करने वाला नहीं मिलता। साथियों का चंद लोगों का मीडिया है जो इस देश को खराब करने का काम कर रहा है, इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहा है। वो नहीं दिखाता कि हमारे जो मजदूर लोग हैं क्यों उनसे बराबर, वो इस बात का जिक्र नहीं करते कि क्यों उनको जो है सैलरी अच्छी नहीं मिलती, उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं मिलती, उनकी मेहनत को वाजिब हक नहीं मिलता, उनको अच्छे काम करने को नहीं मिलता, चीजों पे नहीं दिखाता, उल्टी सीधी बातें दे है। आप देखेंगे डिबेट लगाकर बैठ जाते हैं, उल्टी सीधी बकवास करते हैं, तो उनको देखना बंद कर दीजिए। मीडिया पर यकीन कीजिए, आपके अपने बहुजन मीडिया के साथ ही बहुजन आंदोलन को मजबूत करने वाले लोग हैं। आम लोग जो है मेहनत करने वाले लोगों की वारिस है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हम ना मेहनत करने वाले लोग हैं, मांग कर खाने की परंपरा हमारी नहीं है। जो बाबा आता है ना वो चुड़िया बजा के बोलेगा भिक्षा हम दे ही, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। हमारे लोग ये काम करने वाले नहीं है, मेहनत करने वाले लोग हैं। आप संत रविदास को देखिए, इतना बड़ा काम करके गए, जूते चप्पल सीलने का काम किया, मेहनत किया, उसके बावजूद समाज को बेहतर बनाने का काम किया। मेहनत करने वाले लोग हैं, ये नहीं बोलते कि मैं तो फकीर हूं झोला उठा के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलते हमारे लोग। हमारे लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हर मुश्किल हालत में रहते हैं, इतनी विकट परिस्थितियों में रहते हैं, ऐसे ऐसे हालात में भी जिंदा रहते हैं, कई कई दिन पुराने जानवर का, मरे हुए जानवर का मांस खा के हमारे लोग जिंदा रह गए, खराब पानी पी के हमारे लोग बच गए, गांव के बाहर कहीं पे उनको जंगल में फेंक दिया, वहां जंगली जानवरों से लड़ते लड़ते बच गए। तो हम फाइटर कौन है, फाइटर कौन है, कायरों की संतानें नहीं है, हम अपने पुरखों के वारिस हैं, जिन्होंने इस देश में भीमा कोरेगांव जैसी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस देश में शानदार काम किया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आंदोलन को, बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ाएं, अपने हिस्से का काम करें। अभी हमारे लोगों को ये समझना होगा कि हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे से जलना भुनना, हमें इसकी मनाही करनी चाहिए। हमें आपस में समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। सड़क नहीं बनवाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा, मैं इनको पानी की व्यवस्था नहीं करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, एक इशारे पे सारे के सारे लोग एकजुट होकर काम करें, ये बहुत जरूरी है कि हम ताकत का परिचय दें, मिलजुल के रहे, एक दूसरे से नफरत ना करें। क्योंकि देखिए, मेरी नानी जो एक बात कहा करती थी कि जातिवादी और कौवे एक जैसे होते हैं, जो जातिवादी लोग होते हैं ना, जो कौवे हैं एक जैसे होते हैं, एक को कुछ हो जाता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे के सारे एकजुट हो जाएंगे, अगर एक कौवे को कुछ होगा तो तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए हमें भी सीखना होगा, हमें भी इस बात का एहसास करना होगा कि हम भी एकजुट रहे, समानता के साथ रहे, एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे पर छीछा लैदर करना, उन पर कीचड़ उछालना बंद कर देना चाहिए। बाबा साहेब के मिशन में हर किसी की भूमिका है, हर किसी का आंदोलन में हिस्सा होना चाहिए। मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद मिशन के लिए काम करते हैं, तो आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए, जितना आपका मनोबल बढ़ाया जाए उतना कम है। और मैं आप लोगों से हिम्मत लेके जाऊंगा, आपसे सीख के जाऊंगा, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों में नेताओं को बुलाया जाता है, बड़े विद्वान लोगों को बुलाया जाता है, मेरे जैसे छोटे से पत्रकार को आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, मैं उसका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। आयोजक समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार, और इतना शानदार कार्यक्रम जयंती का हुआ है कि ये हमें कई दिनों तक हमारे दिमाग में इसकी तस्वीरें होंगी कि हम आनंद पर्वत गए थे, वहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के वारिसों ने, उसकी संतानों ने इतना शानदार कार्यक्रम किया कि दुनिया देख रही है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा व्यक्ति एकमात्र व्यक्ति है जिसकी जयंती पूरी दुनिया में इतने धूमधाम से मनाई जाती है, पूरे महीने जयंती के आंदोलन होते हैं, उनके बराबर कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी जयंती पर बिना बुलाए, बिना पैसा दिए, बिना भंडारा किए ऐसे जनता उमड़ पड़ती है। वो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का करिश्मा है, उनका जलवा है कि सब लोग जय भीम का नारा बोलते हुए आगे आ जाते हैं। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से हिम्मत लीजिए,
काम कीजिए, एकजुट रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा का सहारा लीजिए, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए ताकि आपका मुस्तकबिल, आपका भविष्य बेहतर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।